सब छुट्टी होने के बाद 7-8 लेडीज जो है ना ऑटो में सवार होके कैथ रोड की तरफ अपने गांव घर जा रही थी, तो चढ़ाव मोड़ पे बिल्कुल एक गाड़ी आई वहाँ से असंत की तरफ से, मोबाइल में उसमें ATM में कैश डालने वाली, तो टक्कर मार के चलेगी, तो उसकी दर्शन देवी की मौके पे ही मौत होगी उसकी, बाकी घायल हो गए और सब ठीक हैं, तो डेथ एट दिस 14 की होगी दर्शन देवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुकुश तीजा। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस में। एक बहुत ही दुखद मामला जो है सामने आता है। कल रात भी हमने आपको दिखाया था, एक हादसा हो जाता है, बैंक की जो है कैश वैन जो है एक ऑटो को टक्कर मार देती है और उसके बाद जो है कुछ लोग जो उसमें घायल हो जाते हैं। हालांकि आज सुबह ही जो है सूचना मिलती है कि एक महिला जो कि हेमदा गांव की रहने वाली थी वो जो है इस हादसे में उसकी जो है दुखद मौत हो जाती है। परिवार के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। दर्शना देवी जिनका नाम था, 3 बच्चे हैं उनके, शादीशुदा हैं, लेकिन उस महिला की जो है इलाज के दौरान मौत हो जाती है। उनके पति यहाँ पर बैठे हैं। कल जो है चिड़ाव मोड़ के आसपास जो है ये पूरा हादसा हो जाता है। टेम्पो में जो है महिला काम कर जो है वापस घर जा रही थी, ऑटो रिक्शा में जो है वापस काम कर जो है घर जा रही थी। आपको बता दें कि राइस मिल में जो है महिला काम करती थी दर्शना देवी, लेकिन कैश वैन जो है बैंक की वो जो उनको टक्कर मारती है। उनके पति यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कैसे हादसा हुआ, क्या सूचना मिली, क्या हुआ था? शनिवार तो जब फिर गांव में थी जी, उन्हें फिर पता भेजा जी एक्सीडेंट हो गया जी। कैसे हुआ? वो गड्डी के साथ ही होया जी, वो साइड मार गया, पलट गया टेम्पो। हाँ, ये रुकी थी मैन वाली गाड़ी, रुकी थी जब रुकी नहीं है, वो नहीं रुका हुआ तो भागी है जी। नहीं, वो नहीं और भी लोग घायल हैं इसमें। हाँ, वो उनका तो थोड़ी सी हिट है। वहाँ से कहाँ से कहाँ जाते, क्या काम करते थे? डैडी कहीं करते जी, सेलर में जा करते हैं। हाँ, रोज जाते होंगे? हाँ, रोज। यहाँ कितने साल से काम कर रहे थे? 8-9 साल हो गए। आप पति हैं? हाँ। बच्चे कितने हैं? 3 हैं। शादी शुदा हैं? हाँ। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ, कर रही है जी। बहन वाले का नहीं, उसका नहीं पता लगे। बाकी लोगों की हालत कैसी है? वो तो ठीक है जी। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हेमदा गांव की जो है वो महिला रहने वाली थी, और भी जो है गांव से तमाम लोग और भी मौजूद हैं। एक बार उनसे भी जो है बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, कैसे हादसा हुआ कि क्या कुछ जानकारी मिली। आप गांव से ही हैं? हाँ जी, मैं गांव से। कैसे हादसा हुआ, क्या कुछ? ये वो सेते राइस मिल में काम करती है, खत रोड पे। सवेरे 9:15 बजे घर से निकली थी, 9 बजे की ड्यूटी है और शाम को 6 बजे की छुट्टी होती है, तो सब छुट्टी होने के बाद 7-8 लेडीज जो है ना ऑटो में सवार होके कैथ रोड की तरफ अपने गांव घर जा रही थी, तो चढ़ाव मोड़ पे बिल्कुल एक गाड़ी आई वहाँ से असंत की तरफ से, मोबाइल में उसमें ATM में कैश डालने वाली, तो टक्कर मार के चलेगी, तो उसकी दर्शन देवी की मौके पे ही मौत होगी उसकी, बाकी घायल हो गए और सब ठीक हैं, तो डेथ एट दिस 14 की होगी दर्शन देवी की। कौन से बैंक की थी, कुछ पता चला? मशीन बैंक की कोई वो नहीं है, अभी ट्रेस नहीं हुई गाड़ी। कैश वैन थी वो? हाँ, वो मीन वो है ना, ये उसकी बलेरो जो गाड़ी है वो गाड़ी। तो पुलिस में जानकारी? हाँ, पुलिस में उसके FIR दर्ज होगी, तो गाड़ी ट्रेस कर रहे हैं वो, जैसे ही होगा तो मामला। तो पे बिल्कुल चढ़ाव मोड़ पे, चढ़ाव मोड़ के चौक पे हादसा, गाड़ी तेज जा रही थी वो, असंत की तरफ, असंत की तरफ से आई थी गाड़ी और ये उधर गांव की तरफ जा रहे थे। क्या काम करते हैं? ये सेते राइस मिल में जॉब करते हैं, लेबर में काम करते हैं। हो गया 8-9 साल हो गए काम करते हैं। परिवार में इसके 3 बच्चे हैं, 3 शादीशुदा हैं और एक पति है, वो दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करता है, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो भी कार्रवाई भी होना चाहिए यार, जो भी इनकी आर्थिक मदद है जो भी हुआ है, तो रहने वाले गाँव में। हाँ जी, तो देख सकते हैं कि हेमदा गांव के जो हैं रहने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूरी जो हैं इनके पति किया करते थे, लेकिन कल जो है महिला काम से जो है कर वापस घर लौट रही थी, हेमदा गांव जो है वापस लौट रही थी, लेकिन चिड़ाव मोड़ पर जो है पूरा हादसा हो जाता है, चिड़ाव मोड़ पर ही जो है पूरा हादसा हो जाता है। राइस शेलर में जो है काम कर वापस लौट रही थी, 7-8 सालों से जो है ये महिला वहीं पर जो है काम करती थी, पति भी जो है दिहाड़ी मजदूरी करते थे, 3 घर में जो है बच्चे थे, शादीशुदा थे, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से कल जो है काम कर जो है वापस घर लौट रहे थे, लेकिन चिड़ाव मोड़ पर जो है बताया जा रहा है असंत साइड से जो है एक गाड़ी आती है बैंक की जो है
कैश वैन आती है वो जो है ऑटो को टक्कर मार देती है, और उस टक्कर में जो दर्शना देवी थी जो कि किस तरीके से राइस मिल में जो है काम कर वापस घर लौट रही थी, लेकिन चिड़ाव मोड़ पर जो है पूरा हादसा हो जाता है और उस हादसे में जो है महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है। हालांकि वो कैश वैन जो है वहाँ से फरार हो जाती है। हालांकि ये पुलिस में जो है मामला दर्ज कर आगे की जाँच जो है शुरू कर दी गई है, लेकिन देखना होगा कि पुलिस जो है इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, कब तक जो है उस वैन चालक को पकड़ती है, कब तक जो है पता लगाती है, क्योंकि आसपास जो है सीसीटीवी कैमरे जरूर होंगे, चुनाव मोड पर जो है सीसीटीवी कैमरे जरूर होंगे, हो सकता है वहां पर जो है कुछ तस्वीरें जो है कैद जरूर हुई हों, लेकिन पूरा परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। मुकुश तीजा, करनाल बेकी न्यूज़, करनाल।